नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएन वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है सामने। संसद में किसानों के मुद्दे पर आर पार राहुल गांधी बोले, मेरे पास सभी मृत किसानों के नाम है, मुआवजा दे सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में किसानों के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए मांग की है कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा दिया जाए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आपकी सरकार कह रही है कि कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या आपके पास किसानों के नाम नहीं है, तो ये डेटा मैं आपको देना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इन किसानों को उनका हक मिले, उनके परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इनकी जान सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से ही गई है, क्योंकि वही सरकार काले कृषि कानून लेकर के आई थी। ये यहां पर दोस्तों संसद के अंदर एक बार फिर से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है, और इस बार केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे हैं राहुल गांधी, और आर पार के मूड में नजर आ रहा है विपक्ष इस बार किसानों के मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर बताते चले, वाराणसी में रातों रात मस्जिद को गेरुआ रंग में रंगा गया, मुस्लिम समुदाय ने जताई है नाराजगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 13 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस मौके पर वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे। इसको लेकर के धर्म नगरी काशी में तैयारियां जोरों पर है। इस बीच काशी में एक मस्जिद को गेरुआ रंग में रंगे जाने से मुस्लिम समुदाय ने वाराणसी विकास प्राधिकरण पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पीएम मोदी के आगमन के चलते विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते को गेरुआ रंग से रंगा जा रहा है। इसी के चलते एक मस्जिद को भी गेरुआ रंग से यहां पर रातों ही रात रंग दिया गया है, और इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय ने काफी कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। और देख सकते हैं कि यूपी चुनाव से पहले लगातार भाजपा की तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो चुकी है भाजपा की तरफ से, क्योंकि भाजपा को अपनी हार साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है और भाजपा यहां पर बौखलाई हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, नागालैंड फायरिंग आत्मरक्षा नहीं बल्कि हत्या के समान है, भड़के हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन लोकुर ने नागालैंड फायरिंग को हत्या के समान माना है और कहा है कि यह आत्मरक्षा के लिए की गई कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि एफएसपा का मतलब यह कतई नहीं है कि सुरक्षा बल किसी की भी हत्या कर दें, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि एफएसपा को गलत ढंग से लागू किया गया है, जिसके तहत सुरक्षा बलों को यह हक दे दिया गया है कि वे कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं और किसी को कभी भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और किसी पर भी गोली चला सकते हैं। सुरक्षा बलों ने जो कुछ भी किया वह ज्यादा सक्रियता दिखाते हुए किया, लिहाजा हत्या की मंशा साफ है। इसके साथ ही जस्टिस लोकुर ने पुलिस जांच से भी यहां पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि मशहूर लोगों के द्वारा इस मामले की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, और उनका कहना है कि इसकी काफी गुंजाइश है कि सुरक्षा बल खुद जांच करें तो इस मामले को किसी तरह रफा दफा कर दिया जाएगा। ये यहां पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से नागालैंड फायरिंग मामले पर भड़के हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर, और यहां पर ले लिया है केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, बढ़ती महंगाई और अन्य मुद्दों पर कांग्रेस करेगी संसद घेराव, जंतर मंतर पर पहले कार्यकर्ता होंगे इकट्ठा फिर करेंगे संसद कूच। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस को केंद्र सरकार के खिलाफ रैली करने की अनुमति नहीं मिली, तो वहीं दिल्ली कांग्रेस महंगाई के खिलाफ संसद का घेराव करने के प्रयास में लगी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज संसद की ओर कूच करेंगे। घेराव को लेकर के पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद संसद की ओर कूच करेंगे। हालांकि महंगाई के अलावा महिला सुरक्षा, किसान, दिल्ली में शराब नीति आदि मुद्दे इस घेराव में उठाने का यहां पर कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले बयान पर भड़के हैं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण। कहा 29 साल पहले ऐसे ही दंगाइयों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हार का डर साफ तौर पर दिखना शुरू हो गया है। इसी वजह से अब भाजपा ने एक बार फिर से यूपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम एंगल जोड़ना शुरू कर दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा को लेकर के ऐसा बयान दे दिया कि सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने राज्य के मुसलमानों को लेकर के भी आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि भाजपा एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम एंगल को चुनावी मुद्दे में जोड़ रही है। इस मामले में देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आज से 29 साल पहले भाजपा आरएसएस विहिप और बजरंग दल के अनुचरों के नेतृत्व में एक दंगाई भीड़ ने 500 साल पुरानी एक मस्जिद को नष्ट कर दिया था और वहीं वे अब मथुरा और वाराणसी में इसी तरह के कृत्यों का आह्वान करते हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर भड़के हैं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण। एक और बड़ी खबर बताते चले, बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को दे दिया है बड़ा झटका। जातीय जनगणना कराने का कर दिया है ऐलान, जल्द करेंगे सर्वदलीय बैठक। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना होकर के रहेगी और बेहतर तरीके से होगी। उन्होंने यहां तक कहा है कि इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सभी दलों की राय जानने के लिए जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। और नीतीश कुमार का यह फैसला बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका दोस्तों माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार खामोश थी और संसद के अंदर केंद्र सरकार भी कह चुकी थी कि वह जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। लेकिन अब यहां पर नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराने का किया है ऐलान। इस बीच अगली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, रेलवे को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, अपनी संपत्ति की रक्षा खुद करें, हाथ पर हाथ रख करके मत बैठे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में रेलवे की उस जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए रेलवे की खिंचाई की है, जहां एक रेल लाइन का निर्माण होना है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना रेलवे की वैधानिक जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक परियोजना को आगे बढ़ाना है और प्राधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। कोर्ट ने इसके साथ ही फटकार लगाते हुए कहा है कि अपनी संपत्ति की रक्षा खुद करें, इसके लिए हाथ पर हाथ धर करके बैठे ना रहे। ये यहां पर रेलवे को फटकार लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसानों और सरकार के बीच जमी बर्फ पिघल रही है, आचार संहिता लगने के बाद मिशन यूपी पर लेंगे फैसला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक साल से जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, लेकिन मिशन यूपी लंबा चल सकता है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि आचार संहिता लगने के बाद इस मसले पर अगला कदम हम लोग उठाएंगे। यूपी के किसानों को महंगी बिजली मिल रही है, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, बैंकों के निजीकरण बिल पर कहा है कि देश में साझा आंदोलन की एक जरूरत है। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तभी आगाह किया था कि अगला नंबर बैंकों का है, संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा है और निजीकरण रोकने के लिए ही देश में एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। ये यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, ममता बनर्जी के गर्म तेवरों के बीच यूपीए में आएगी शिवसेना। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मिल रहे हैं संजय राउत। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सत्ता में मौजूद शिवसेना अब यूपीए में शामिल हो सकती है। इसी को लेकर के शिवसेना के नेता संजय राउत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। अटकलें हैं कि 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूपीए में आ सकती है। शिवसेना के नेता संजय राउत राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करेंगे। यह बैठक शिवसेना के द्वारा भाजपा के खिलाफ किसी भी विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस के महत्व पर जोर देने के बाद हो रही है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।